हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट फायर फैक्ट्स AJ। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं नेशनल फायर सर्विस डे और इंटरनेशनल फायर सर्विस डे कब और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, सन 1944 जब पूरी दुनिया सेकंड वर्ल्ड वार झेल रही थी, उसी समय 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के पोर्ट पर फोर्ट स्टेकन नामक शिप पर आग लग जाती है, जिसमें भारी मात्रा में रुई, विस्फोटक और युद्ध सामग्री रखी हुई थी। इसी आग को बुझाते समय शिप में हुई ब्लास्ट से 66 वीर फायर फाइटर्स वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्हीं वीर फायर फाइटर्स की याद में 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस वीक और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक मनाया जाता है। इस दौरान वीर फायर फाइटर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है व आम लोगों को अग्नि सुरक्षा के बारे में अवगत कराया जाता है। तो चलिए अब आगे जानते हैं इंटरनेशनल फायर सर्विस डे के बारे में। तो दोस्तों, सन 1999 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जिसमें जंगल का बहुत बड़ा एरिया जल गया था व बहुत सारे जीव जंतु मारे गए। इसी आग को बुझाते समय 4 मई 1999 को 5 फायर फाइटर्स वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इन्हीं फायर फाइटर्स के सम्मान में 4 मई को इंटरनेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है। इसका प्रतीक एक लाल व नीला रिबन है, जिसमें लाल रंग आग व नीला रंग पानी का प्रतीक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।